एज ए क्रिकेटर में एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि जब नीते ठीक नहीं ना हो तो ऐसी परफॉर्मेंस आती है, वो रिजल्ट सामने नजर आ गया। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे अपनी मर्जी से, आप खुदा बन जाएंगे क्रिकेट के, अल्लाह माफ करे, तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे। और आपने पाकिस्तान की टीम समझ के नहीं चलाई, ये अपनी घर की टीम समझ के चलाई है, जिन्होंने ये मैनेजमेंट रखी है। जो प्लेयर जिनके हाथों में क्रिकेट थी वो समझ रहे थे हम क्रिकेट से बड़े हैं, जो ये नजर आया, तो मेरे ख्याल से शर्मनाक हार है हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के। और नाजी मैं ये बता दूं, मैं एक बात की गवाही दे दूं, ये ऐसा नहीं अगर आप लोगों को लगे कि अब जी हार गए तो ये कहेंगे, मैं एक बात की गवाही देता हूं। कल इस शो के बाद हम खाना खा रहे थे, तब कामरान भाई ने कहा, बाकी लोगों की भी राय थी, और कामरान भाई ने तब कहा मुझसे कहा कि यार हम किधर ले आए टीम को, कि आज हम इस पे एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं कि कल अफगानिस्तान से मैच है, जीतेंगे या हार जाएंगे पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही खैर करे, ये कल रात की बात है। तो यही वजह है, सिर्फ ये मैच नहीं, आप देखें कि ये टीम यूज्ड टू है ऐसी टीमों से हारना। आप देखें एक रात पहले टीम बनती है 3-0 हो जाता है हमें, जिम्बाब्वे से हम लोग हारे हुए हैं, अफगानिस्तान से हमें 3-4 मैच हारने चाहिए थे, आखिर से 2 मैच तो नसीम ने हमें जितवाए हैं लास्ट विकेट पे आके। तो हमारा स्टैंडर्ड नीचे गया, वो टीम का स्टैंडर्ड हमारे से ऊपर चला गया जो पाकिस्तान में रह के कैंप करके गए हैं, हमसे सीखे गए हैं, हमारे कोचिज उनके साथ काम किया उन्होंने, हमारी एनसीए रह के गए 3 महीने का कैंप लगा के गए अर्ली ऑन, उस टीम से हम वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, पहली विक्ट्री वो जीते हैं वर्ल्ड कप की पाकिस्तान से। क्रेडिट तो देना चाहिए पूरी टीम को, मुबारकबाद, लेकिन हम लोग गंदा खेल रहे हैं, हमें क्रिकेट जैसी खेलनी चाहिए थी वैसे खेली नहीं। हम 90 की बात करते हैं ना, आज जैसे बैटिंग हुई है ना, 80 की हमने की है बैटिंग। अच्छा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने हॉकी को, हमारे डायरेक्टर आके कहते हैं दिस इज आवर वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, टू टेक इट डीप एंड देन फला पता नहीं क्या, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आज विकेट देखे कितनी समझदार मैनेजमेंट, हम पाकिस्तान में कह रहे थे क्योंकि पिछले मैच 230-240 पे टीमें आउट हुई हैं, आज उनके मेन स्पिनरों ने आउट नहीं किए, कोई ऐसा ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारे बैट्समैनों का वही माइंडसेट था कि हम 240 या 250 करें तो हम मैच जीत जाएंगे, सही है। ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी बॉलिंग ने 350 करवाया, 450 करवाया हुआ, हमने बैट्समैनों ने वही माइंडसेट, वही इंटेंट के साथ, अभी हमने 5 ओवरों में 60 रन किए तो तेज, तो यहाँ तक पहुंचे, अच्छा आराम से खेलने हैं, तो उन्होंने तो इतना आराम से किया है। बासित भाई ये बहुत मासूमाना बात होगी ना अगर हम कहेंगे नाजी ना देख मैच हुआ, देखिए क्रिकेट है, देखिए कोई भी जीत सकता है, आज अफगानिस्तान का जिंदा वो जीत गई, तालियां बजा दें घर चले हैं। भाई ये एक दिन की दास्तान तो नहीं है ना, ये जो बिड़ा करके है, कहां से शुरू करूं कहां पे खत्म करूं। कल इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी, यस, खान साहब आए हुए जी जी, आपने मुझसे कहा था यार ये तो गड़बड़ी ना हो जाए, पहली चीज हम तो एक मजाक में कर रहे थे बात, लेकिन तकलीफ दे बात बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, क्या ये इंडिया ने दूसरी बारी में अच्छी पिच बनवा दी थी? एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच थी? और जी भारत ने देखें क्या कर दिया जी, देखें भारत ने मतलब की पिच बनवाई है, अफगानिस्तान की, ऐसे ही बिल्कुल ही ऐसे ही था ना, बिल्कुल ही। क्या हुआ दूसरी बारी में? उसी पिच पे अफगानिस्तान ने दोनों टीमें खेल रही थी ना, उनके स्पिनर्स ने अच्छे बॉल करे, हमारे स्पिनर्स ने अच्छे बॉलिंग करे, हमारे तो फास्ट बॉलर ने भी नहीं करे, वो तो एशिया कप से नहीं कर रहे। पहली चीज, हमारा हेड कोच है, अपना बॉलिंग कोच जो है, उसने जाने से पहले एक बयान दिया था जिसपे मैंने बात भी करी थी, लोगों ने यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। वो क्या? उसने कहा कि मुझे स्पिन बॉलिंग की कोचिंग करनी नहीं आती है, और स्पिन बॉलिंग कोच नहीं रखा गया। आपने इस प्रोग्राम में बात भी की थी, सही है ना, नहीं रखा गया।